हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार घोष स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य के मीट द इंजीनियर्स अड्डा में। आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। जो विकल्प दिए रहेंगे उसमें से आपको एक आंसर का चुनाव करना रहेगा, एक सही आंसर का क्या करना रहेगा, आपको चुनाव करना रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आपको पहला स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो दिख रहा होगा, वैद्युतिक सामग्री के टर्मिनल किस धातु के बने हुए होते हैं। पहला होता है तांबा, दूसरा दिया हमारे को चांदी, तीसरे पे पीतल और चौथे पे दिया हुआ है लोहा। क्रमशः आपको जो विकल्प दिख रहे हैं उसमें से आपको एक आंसर का चुनाव करना रहेगा कि सही आंसर इसका कौन सा होगा। तांबा को हम बोलते हैं कॉपर, चांदी को बोलते हैं सिल्वर, पीतल बोलते हैं ब्रॉन्ज, और जो लोहा होता है उसे हम बोलते हैं आयरन। तो आपको जो सॉकेट होते हैं, स्विचेस होते हैं, या फिर जितने भी प्रकार की वैद्युतिक सामग्रियां होती है, लाइट होते हैं, उनके टर्मिनल किस धातु के बनाए जाते हैं, इसको आपको बताना रहेगा। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा पीतल। पीतल को हम क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर का। चांदी है जो सबसे अच्छा चालक मानी जाती है, पहले नंबर पर आती है, और दूसरे नंबर पर आता है हमारा तांबा, तीसरे नंबर पर आता है एल्यूमिनियम। इसी क्रम में बहुत सारे जो चालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, इनका क्रम निर्धारित किया गया है। पहले पे चांदी को रखा गया है, उसके बाद तांबे को, तीसरे पे एल्यूमिनियम। इस तरह से और भी चालक होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा अचालक पदार्थ है। सबसे अच्छा अचालक पदार्थ कौन सा है, इसमें से आपको बताना रहेगा। पहला है पोर्सलिन, जिसे हम बोलते हैं चीनी मिट्टी। दूसरा है कांच, कांच को ग्लास बोलते हैं। तीसरा होता है बेकेलाइट, तो बेकेलाइट को बेकेलाइट ही बोला जाता है। और अभ्रक, अभ्रक जिसे हम कहते हैं माइका। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारे पास, सबसे अच्छा अचालक मतलब इंसुलेटर कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा अचालक होता है हमारा अभ्रक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइका बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसको सिलिकॉन के साथ मिलाया जाए कि सिलिकॉन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाए। सिलिकॉन के साथ मिलाने पर क्या हो, वह क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाए। मतलब वो अर्धचालक है, तो उसके साथ क्या हो कि वो कंडक्टर बन जाए, मतलब चालक बन जाए। तो इसमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको मिलाने पर क्या हो, वह उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगे, और अर्थात वह क्या हो, चालक का रूप धारण कर ले। तो इसमें हम मिलाएंगे, जो पहला है हमारे पास गैलियम। ठीक है, इसके अलावा भी गैलियम, फास्फोरस, चांदी, इसके अलावा बहुत सारे एंटीमनी, आर्सेनिक, और भी बहुत सारे क्या होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनको हम इसमें मिलाते हैं तो वो क्या होता है, चालक का रूप धारण कर लेता है। तो हम इसमें मिलाएंगे फास्फोरस को, यदि हम मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या होने लगेगा, गति करने लगेगा, जिससे क्या होगा, चालक का रूप धारण कर लेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छे अचालक पदार्थ में कौन सा गुण होना चाहिए, अच्छा जो इंसुलेटर है उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, उसको समझते हैं। तो पहला आपके पास ऑप्शन दिया रहा है जो है निम्न परावैद्युत सामर्थ्य, जिसे बोलते हैं लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दूसरे नंबर पर दिया है उच्च चालकता मतलब हाई कंडक्टेंस, और तीसरे पे दिया हुआ है उच्च भंजन वोल्टता, और चौथे पे दिया हुआ है उच्च विद्युत शोषण गुण। जो भंजन वोल्टता होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन, मतलब ऐसा अचालक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसका क्या हो, ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा हो। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज कम रहेगा, इसका मतलब क्या हो, वो अच्छा इंसुलेटर, अच्छा अचालक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर जो इंसुलेटर है हमारा, उसका जो वोल्टेज है, भंजन वोल्टेज जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, वह कम रहेगा क्या होगा, तो कम वोल्टेज पर उसका जो इंसुलेशन है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला, मतलब उच्च भंजन वोल्टेज होना चाहिए, मतलब हाई जो होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है डिस्प्ले स्क्रीन पर, चालकत्व की मूल इकाई क्या होती है। तो चालकत्व की इसमें आपको दिख रहा है, जैसे पहले पे है वोल्ट, दूसरे पे एम्पियर, तीसरे पे ओहम, और तीसरे पे दिया है महो। ठीक है, तो पहला जो होता है वोल्ट, वो हम किस लिए मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट का यूज करते हैं, एम्पियर करंट मापने के लिए हम एम्पियर का यूज करते हैं, और महो जो होता है, ओम होता है, वह प्रतिरोध मापने के काम में आता है, रेजिस्टेंस हम मापते हैं। और महो जो होता है वो क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब महो जो होता है वो क्या होता है, चालकत्व की, कंडक्टेंस की क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे को डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा है, यदि दो प्रतिरोधक क्रमशः 1.5 किलो ओम तथा दूसरा जो है 1 किलो ओम श्रृंखला क्रम में संयोजित हो, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। मतलब जो हमारे आपको सर्किट, इसके लिए सर्किट बनाकर आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये पहला है, ठीक है, और ये दूसरा, ये कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं दोनों,
इसको हम बोल देते हैं R1 और इसको बोल देते हैं R2। तो सीरीज में आपको पता है RT निकालने के लिए क्या कहते हैं, R1 प्लस R2, और ये क्या चलता है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जितने रेजिस्टेंस होंगे उतना आपको ये फॉर्मूला आगे रखते जाना है, मतलब इसमें फॉर्मूला जो है इसमें वैल्यू पुट करते जाना है। तो इसमें क्या दिया, पहले की वैल्यू क्या है 1.5 किलो ओम और दूसरे की वैल्यू जो है 1 ओम। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर, राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 किलो ओम इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यदि दो धाराएं 5 एम्पियर और 10 एम्पियर नोड ए में प्रवेश करती हैं तथा एक धारा नोड को छोड़ती है, उस समय नोड छोड़ने वाली धारा क्या होगी, नोड को छोड़ने वाली धारा क्या होगी। यहां पर आपका लगेगा किरचॉफ का जो धारा नियम होता है वो, तो धारा नियम क्या होता है, कि धारा नियम क्या बोलता है कि किसी संगम पर, देखो ये जो बीच में हमने बना दिया ये संगम ए बना दिए, संगम पर आने वाली धाराओं तथा जाने वाली धाराओं का क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है, या आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होती हैं। तो ये इसको हम बोल देते हैं, इसको बोलते हैं I1 और इधर वाली को बोलते हैं I2। तो जो I1 है 5 एम्पियर है और I2 है 10 एम्पियर। ठीक है, तो इन दोनों का योग यहाँ पर आके कितना हो जाएगा, 15 एम्पियर। इसी के बाद अगला क्या होता है, उस नोड को छोड़ने वाली धारा क्या होगी, एक धारा क्या होगी, वह नोड को छोड़ रही होगी, मतलब ये जो दो धाराएं हैं 5 एम्पियर और 10 एम्पियर वाली, ये नोड तरफ आ रही हैं और जो एक धारा है वो क्या जा रही है, नोड से बाहर जा रही है। तो ये जो अगली वाली धारा होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, 15 एम्पियर होगी, जो कि किरचॉफ का करंट लॉ यहाँ पर प्रूफ होता है। ठीक है, इसलिए हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, 15 एम्पियर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यदि व्यावहारिक प्रतिरोध अनंत है तो परिपथ को खालिस्तान कहा जाए, यदि प्रतिरोध अनंत है तो क्या होगा, उसे हम ओपन सर्किट कहेंगे, मतलब खुला परिपथ कहेंगे। प्रतिरोध क्यों पर जो है ओपन सर्किट में अनंत क्यों होता है, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, मतलब क्या हो सकता है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, मतलब खुला हुआ परिपथ होगा तो वहां पर प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट में तो जो रेजिस्टेंस है बहुत कम होगा, क्योंकि करंट का फ्लो आसानी से हो जाएगा। ग्राउंडेड है तो ग्राउंडेड में भी वही स्थिति रहेगी, और डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त है, लूज कनेक्शन है तो भी। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला, मतलब खुला परिपथ होगा, जिसे क्या बोलते हैं, ओपन सर्किटेड होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि डायोड का परीक्षण किया जाता है, डायोड का परीक्षण हम कैसे करते हैं, ओम मीटर से, मेगा से, वोल्ट मीटर से, या सभी से। तो जो चार ऑप्शन है उसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर से क्या करते हैं हम, रेजिस्टेंस जो हमारा सॉरी डायोड होता है वो इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा एनोड होता है और ये क्या होता है, ये कैथोड होता है। इसको हम अगर रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट इसका रेजिस्टेंस आना चाहिए। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपके पास रहा, जो सेतु दृष्टकारी होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है, उसमें क्या करता है, वो जो दृष्टकारी है, जो सेतु दृष्टकारी होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है, वो क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, या पहला ऑप्शन क्या दिया है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन करता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करता है, एसी टू डीसी और डीसी टू एसी, मतलब एसी को डीसी में भी परिवर्तित कर सकता है और डीसी को एसी में भी परिवर्तित कर सकता है, आपको ऑप्शन में ये दिया रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, पहला वाला ऑप्शन लगा देंगे डीसी टू एसी, यह गलत आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्यों होगा ये, क्योंकि ये सेतु दृष्टकारी जो होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है, यह क्या करता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन करता है, पर कैसे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और पहला ऑप्शन क्या दिया है, डीसी टू एसी, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो होता है सेतु दृष्टकारी मतलब ब्रिज रेक्टिफायर नहीं करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं। Thanks for watching.